से आप लोग आसन पर जाए, सदन को थोड़ा व्यवस्थित होने दे, व्यवस्थित होने दे, आपका कार्य स्थगन भी पढ़ा जाएगा। मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, मान्य मंत्री जी, विरुआ जी का है? हाँ जी 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 जी, कुछ लिए महोदय है, इसमें साफ कहा गया है जो जवाब में है, जवाब में खंड एक खंड दो इसको सही माना गया है कि कर्मचारी ही जो उन्होंने मांगा था, और 2014 के प्रभाव से विभागीय पत्रांक 2063 दिनांक 3/11/2003 को विलंबित कर दिया गया था। अभी उस सर्टिफिकेट से, विद्यापीठ के सर्टिफिकेट से ना किसी की नियुक्ति होगा ना किसी का प्रमोशन होगा, जो कोई स्टेशन बना हुआ वही रह जाएगा। यही जवाब 2014 से जब मान्यता समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अभी भी सचिवालय में, अमर बाबू विधानसभा में, हाई कोर्ट में, कई विभागों में देवघर विद्यापीठ से जो सर्टिफिकेट लेके आए वो लोग प्रोन्नति का लाभ ले रहे हैं, नियुक्ति का। उनको कब तक हटाएंगे, कब तक सीमित करेंगे, सिर्फ हम इतने ही मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं, एक महीना में, दो महीना में, तीन महीना में कब तक सीमित करके उस पर कार्रवाई करेंगे, उनको हटाएंगे प्रोन्नति के लाभ से, नियुक्ति से, यही जानना चाहते हैं मंत्री महोदय। आपका जवाब सकारात्मक है, लेकिन समय बता दें आप। इसमें साफ आप जवाब में देखिए, खंड तीन को देखिए, इसमें साफ कहते हैं विभागीय पत्रांक 6/11/2003 को विलंबित करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में ये निर्णय सुनिश्चित है कि हिंदी विद्यापीठ देवघर द्वारा प्रदत्त सुविधाएं किसी भी डिग्री प्रमाण पत्र आपसे किसी भी नियुक्ति या प्रवृत्ति के लिए मान्यता नहीं होगा। आपसे आपसे जो कोर्स स्टेशन बना हुआ वही रहेगा, और नए सिरे से कुछ नहीं लिया जाएगा। यही है मान्य सदस्यगण, मान्य सदस्यगण, पिछले विधानसभा में कार्य स्थगन पढ़ने का नियमन आप लोगों को पढ़ के सुना दिया है, और उसी नियमन के तहत हम कार्य स्थगन के बारी जैसे ही आएगा, जैसे बारी आएगा हम कार्य स्थगन पढ़ेंगे। आखिर आखिर अमर बाबू, अमर बाबू, नियमावली में, नियमावली में जो नियम है, नियमावली में जो नियम है उसी के तहत न पढ़ेंगे अमर बाबू। वैसे अमर बाबू, अमर बाबू, अमर बाबू, नहीं नहीं, नियमन नियमन के तहत चलेंगे अमर बाबू, चलेंगे। बैठिए, आप लोग, आप लोगों से आग्रह है कृपया आप लोग आसन पर जाएं, आप लोग महोदय उत्तर में लास्ट पैरा में स्पष्ट है, लास्ट पैरा आप देखिए, लास्ट पैरा में ही कथा शादी कार्मिक कथा राजभाषा विभाग पत्रांक 4786 दिनांक 1/6/2015 के द्वारा स्पष्ट रूप से समुचित किया गया कि दिनांक 26/6/2014 के बाद किसी भी सरकारी नियुक्ति अथवा प्रवृत्ति के लिए हिंदी विद्यापीठ देवघर द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्यता नहीं होगा, चाहे उस प्रमाण पत्र 2014 का पुरुष क्यों नहीं हुआ। महोदय विधानसभा सचिवालय में भी ऐसे लोग हैं जो देवघर विद्यापीठ के मान सर्टिफिकेट से प्रोन्नति का लाभ लिया है, हम स्पेसिफिक वही कह रहे हैं कि उनको चिन्हित करके उनका लाभ से वंचित कर दिया जाए, जब 2014 से ही उसका समाप्त कर दिया गया मान्यता, अभी भी लोग लाभ ले रहे हैं सचिवालय में, विधानसभा में, हाई कोर्ट में और दूसरे विभागों में, यही तो कहना है, इसलिए इसका समय दीजिए मंत्री महोदय, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, जो भी समय दे दीजिए, जो लोग अभी भी लाभ ले रहे हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई किया जाए। सभा की कार्रवाई, सभा की हम पढ़ेंगे, आपका आप तो पढ़ेंगे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य पढ़ेंगे। महोदय ये जवाब में स्पष्ट है कि 2014 के बाद किसी को
जो नियोजन उसके विद्यापीठ के सर्टिफिकेट में नहीं कराया जाएगा। फिर 2015 के संकल्प लेकर निकला, उसका कोई स्टेशन बना रहेगा ना, उसका प्रमोशन होगा और न ही सिरे से नियुक्ति होगी। यही तो बात, सचिवालय में अभी भी लोग उसका प्रोन्नति का लाभ ले रहे हैं, उनको चिन्हित करके हटाने का, और जो मान्यता प्राप्त डिग्री से नौकरी कर रहे हैं उनको प्रोन्नति देने का हम बात कर रहे हैं। अभी भी विधानसभा सचिवालय और सचिवालय में लोग हैं, चिन्हित करके कब तक कार्रवाई करेंगे, सिर्फ समय बता दीजिए। मतलब समय नहीं है, हाई कोर्ट का निर्णय को आप देख लीजिए और जो नियमावली है उसको भी देख लीजिए 2015 का, उसमें कहा कि जिन लोगों ने पहले ज्वाइनिंग कर लिया उसको हटाया नहीं जाएगा। कुछ बोल रहे हैं सर जी बाबू, लिया जाएगा और इसका आगे प्रमोशन किसी का के बाद मेरा सवाल है उसको भी पुट कर लिया जाए महोदय, मेरा सवाल है कर लिया नहीं दिया जाएगा। माननीय सदस्य भानु बाबू अपने आसन पर जाएं, अपने आसन पर जाएं। माननीय सदस्य अपने आसन पर जाएं, आप लोग बहुत अच्छे सदस्य हैं। माननीय सदस्य अपने आसन पर जाएं, आसन को सहयोग करें। माननीय सदस्य आसन को सहयोग करें। माननीय सदस्य सभा की कार्रवाई 12:45 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है। चलिए आपका